नमस्कार इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बांगरमऊ उन्नाव। ईदगाह को लेकर जमकर चले लाठी और डंडे तथा कई राउंड की गई फायरिंग। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मऊ में ईदगाह कमेटी के सदर पद को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जमकर ईंट पत्थर और लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमलावरों ने दहशत फैलाने के लिए कई राउंड फायरिंग भी की। खूनी संघर्ष में एक पक्ष के चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को यहां के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। दोनों पक्षों ने घटना की तहरीर कोतवाली में दी है। ग्राम मऊ निवासी बदरुद्दीन पुत्र मोहम्मद यार द्वारा कोतवाली में दी गई तहरीर में कहा गया है कि वह गांव की ईदगाह कमेटी का मौजूदा सदर है। आज सोमवार को वह कमेटी के सदस्यों के साथ ईदगाह का विस्तार करने के लिए ईदगाह की पुरानी दीवारों को ध्वस्त करवा रहा था। तभी गांव के ही जावेद, जसीम, तोहिद, सोहिल, दिलशाद, फुरकान, सुफील, इमरान आदि सहित एक दर्जन से अधिक लोग मौके पर पहुंच गए और बदरुद्दीन से कहने लगे कि तुम्हारी कमेटी फर्जी है, इसलिए ईदगाह का निर्माण कार्य नहीं करवा सकते। ईदगाह का विस्तार हम लोग अपने हिसाब से करवाएंगे। इस पर दोनों पक्षों में तू-तू मैं-मैं होने लगी। बात इतनी बढ़ गई कि जावेद व जसीम आदि ने लाठी डंडों और पत्थरों से कमेटी के लोगों पर हमला बोल दिया। हमले में कमेटी के ताहिर अली पुत्र मोहम्मद सद्दीक, जुबेर पुत्र ताहिर, बदरुद्दीन पुत्र मोहम्मद यार व कुर्बान अली पुत्र गुलाम गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोप है कि हमलावरों ने दहशत फैलाने के लिए कई राउंड फायरिंग भी की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को यहां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। यहां के चिकित्सकों ने जुबैर, बदरुद्दीन व कुर्बान की हालत नाजुक बताकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। ईदगाह के सदर घायल बदरुद्दीन ने घटना की तहरीर कोतवाली में दी है। वहीं दूसरे पक्ष के सोहेल अली पुत्र रज्जाक ने कोतवाली में तहरीर देकर कहा है कि गांव के शुजाउद्दीन, अमीन, जैनुल व इस्लामुद्दीन आदि लोग ग्राम जोगीकोट के कई लोगों के साथ घर में घुस आए और मारपीट करने लगे। हमलावरों ने बचाने दौड़ी पत्नी के साथ छेड़छाड़ भी की। उधर ग्रामीणों ने बताया कि सन 1962 में चकबंदी के दौरान कटौती की जमीन में से तत्कालीन प्रधान व बदरुद्दीन के बाबा हाजी नादिर अली ने मंदिर, चरागाह, खलिहान व ईदगाह के लिए जमीन आवंटित की थी। झगड़े की पृष्ठभूमि में कोई जमीनी विवाद नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि आरोपी सोहिल के पिता अब्दुल रज्जाक पूर्व में ईदगाह कमेटी के सदर थे। उन्होंने ही सर्वसम्मति से बदरुद्दीन को ईदगाह कमेटी का सदर नियुक्त किया था, लेकिन विपक्षी लोग बदरुद्दीन को ईदगाह का सदर मानने के लिए तैयार नहीं है। कमेटी सदर के विवाद को लेकर गांव में अभी भी तनाव बना हुआ है। दूसरी तरफ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पूरा मामला जनपद उन्नाव की तहसील बांगरमऊ के ग्राम बदरुद्दीन मामला ये हमारे गांव की ईदगाह का मामला है। मैं अपने गांव ईदगाह का और मस्जिद का मदरसे का सदर हूँ। गांव वालों ने हमसे कहा कि ईदगाह का काम शुरू कराओ और ईदगाह बनवाओ। मैं अभी दिनांक 8 तारीख को बेंगलोर से आया था और 16 तारीख की मेरी वापसी की फ्लाइट थी। गांव वालों के कहने पे हमने ईदगाह का काम शुरू कराने के लिए मिस्त्री को ठेका दिया। हम तो चले जाएंगे 8 तारीख को। मिस्त्री ने काम शुरू कर दिया, हमने चंदा शुरू कर दिया। गांव के कुछ लोगों ने आपत्ति लगाई, जावेद सनाफ रज्जाक, जसीम सनाफ रज्जाक, तोहिद सनाफ रज्जाक, उगाले और दिलशाद सनाफ रज्जाक, कैफ और ऐसे पूरे परिवार वालों ने कि हमारी जमीन है। हमने कहा अगर आपकी जमीन है तो हम नहीं बनवाएंगे। हमने काम रोक दिया ईदगाह का। फिर हमने इंतखाब निकलवाया ईदगाह की, देखे हम ईदगाह हमारी इनके नाम है या ईदगाह की है। तो हमने इंतखाब निकलवाया, ईदगाह हमारी 2 बिस्वा में बनी हुई है। इंतखाब निकला उसमें ईदगाह हमारी 6 बिस्वा दर्ज है। तो हमने लेखपाल साहब से कहा कि हमारी ईदगाह की नाप कर दीजिए। एक एप्लीकेशन लेके हम तहसीलदार साहब के पास गए, उनसे परमिशन लेके हमने लेखपाल को बुला के दोनों मस्जिद, हमारे गांव में 2 मस्जिद हैं, दोनों मस्जिदों में ऐलान कराया कि सारे गांव के लोग इकट्ठा हो जाओ, ईदगाह की जो जमीन है उसकी नाप होने जा रही है। नाप हो जाए तो जो छोटी पड़ती है थोड़ी बड़ी हो जाएगी, सारे लोग नमाज पढ़ लिया करेंगे। कह के हमने कल ईदगाह लेखपाल साहब से नाप कराई। नाप करने के बाद जमीन निकली इनके
निजामुद्दीन के नंबर में जमीन ईदगाह की निकली। निजामुद्दीन कल आए नहीं, वो खुद कह रहे थे कि हम बनवा देंगे ऐसे ही। तो जब उनके नंबर में जमीन निकली, आज सुबह जब हम मिस्त्री के पास पहुंचे, हमने मिस्त्री को बुलाया कि अब तो नप गई है, अगर वो देंगे तो हम लेंगे, नहीं तो उनको भी।